मेरी पैदाइशी रांची, जो झारखंड की राजधानी अभी है, परंतु पहले बिहार था, और बिहार में रांची डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट था तब। तो वहाँ वहाँ मेरी पैदाइशी और वहाँ मेरे क्लास 10वीं क्लास तक की शिक्षा रही। परंतु मेरे पिताजी का गांव झारखंड और छत्तीसगढ़ के एकदम बॉर्डर पर है, जो पहले एमपी और बिहार का बॉर्डर हुआ करता था। पर मेरी स्कूली शिक्षा रांची में हुई, पर कॉलेज की शिक्षाएं मेरी बैंगलोर, मद्रास और फिर दिल्ली में हुई। ये मेरा तो मैंने मेरी पृष्ठभूमि रही। मैं रांची में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी, और उसके बाद एकदम से मीडियम का बदलाव हुआ। जिस मीडियम में शिक्षाएं हुई, तो उसके तहत मैं अपनी पढ़ाई के दौरान और उसके दौर के साथ साथ बढ़ती गई, और आगे आकर मैंने पीएचडी तक की शिक्षा की। तो ये तो मेरा शिक्षा से संबंधित और मेरी पृष्ठभूमि रही। मुझे वैसे तो 5 साल की उम्र में ही मैं बतलाया गया, मतलब मेरे पिताजी ने कहा कि बुद्धि सबको मिली है और बुद्धि बराबर सबको मिली है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। 5 साल की एक छोटी बच्ची के लिए ये समझना मुश्किल था, परंतु जब मेरे सामने ये चैलेंज आए जिसमें मेरी बुद्धि को पर सवाल उठाया जा रहा था, प्रश्न उठाया जा रहा था, तब मुझे समझ में आया कि उस मंत्र का इस्तेमाल मैं कैसे करूं। और इसलिए वैसे तो मुझे स्कूल में एडमिशन लेने से पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था, जबकि मुझे एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि मैं एक आदिवासी पादरी की बेटी थी। और उसके बाद जब मैं स्कूल में आई, तो रिपीटेडली दूसरे स्कूलों में, जो कि एकदम हिंदी मीडियम स्कूल नहीं थे और अच्छे स्कूल थे शायद, वहाँ से भी मुझे बार बार नकारा गया। परंतु स्कूल में, जब मैं इस हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ ही रही थी, तब मुझे संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर लाने के ऊपर भी प्रश्न उठाया गया, और मुझे मेरे मैथ्स टीचर ने बोला कि मैं कॉलेज में मैथमेटिक्स ना पढ़ूं, क्योंकि वो मुझसे हो नहीं पाएगा। और इस तरह से मेरी बुद्धि या मेरी एबिलिटी को, मेरे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को या तो अंडरमाइन किया जा रहा था, उसका मूल्य नहीं समझा गया, या तो मुझे जानबूझकर हतोत्साहित करने की कोशिश रही थी। परंतु जब इन दो सवालों, संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर लाने और मैथ्स में भी जो मेरा स्ट्रांग एरिया था, तो उसमें ना पढ़ने के लिए जब बोला गया, तब मुझे समझ में आया कि 5 साल की उम्र में जो मुझे बतलाया गया था, उसका असली में क्या, कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन तो इसलिए, और ये बातें मैं सोचती हूँ, इसलिए बोला गया क्योंकि मैं एक आदिवासी थी, एक आदिवासी लड़की थी। वैसे तो मैं गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ी, तो इसलिए दूसरी लड़कियों के साथ, जो कि हमारा स्कूल भी लगभग 20% लोग गैर आदिवासी होते थे, पर उसी बीच उसमें भी जो गैर आदिवासी टीचर थे, कुल मिला के 3, उन्हीं में से दो लोगों ने मुझसे मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई या मेरे इंटेलेक्ट को चैलेंज किया था। मेरी इस चूंकि मुझे मैथ्स पढ़ने से बाधित किया जा रहा था, मैं जब मैं स्कूल में ही थी, तभी मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मैं मैथ्स ही पढ़ूंगी और केवल मैथ्स पढ़ूंगी। और परंतु एमएससी मैथमेटिक्स के बाद, जब मैं एमफिल पीएचडी के लिए ऑप्शंस देख रही थी, उसी समय कंप्यूटर साइंस भी हमारे देश में पढ़ाया जा रहा था, और उस समय अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल में भी पढ़ाई नहीं होती थी, परंतु एमफिल पीएचडी में उसका स्कोप था। मेरे अपने एप्रीहेंशंस थे कंप्यूटर साइंस में पढ़ूं या ना पढ़ूं, परंतु फिर भी उसको भी एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज के बतौर मैंने लिया, और मेरा दाखिला जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम के कारण हो पाया। हो सकता है यहाँ केवल प्योरली एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर अगर एडमिशन की पद्धति जहाँ नहीं होती, वहाँ शायद मेरा एडमिशन इसमें भी नहीं हो पाता, पर चूंकि यहाँ एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन की व्यवस्था है, तो इसलिए जेएनयू में कंप्यूटर साइंस में एमफिल पीएचडी करने के लिए मेरा एडमिशन हो पाया। मैं 3 भागों में इस बात को चर्चा करना चाहूंगी। एक तो
जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या जितनी भी सुविधाएं हैं, उनके लिए एक्सेस या उस तक पहुंच पाना किसी एक आदिवासी के लिए कितना संभव है आज की तारीख में। दूसरा, शिक्षा जो कि सबसे जरूरी एक पायदान है किसी के लिए जीवन में सफलता के लिए। मैं एक पढ़े लिखे किसान के लिए भी, पढ़ लिख कर किसान बना है तो उसमें सफलता मिल सकती है, ये मेरा मानना है। इसीलिए सफलता केवल नौकरी और बहुत धन कमाने से नहीं, परंतु एक संतुष्ट जिंदगी और थोड़ी इज्जतदार जिंदगी को मैं सफलता मानती हूँ। तो इसलिए शिक्षा के संबंध में अभी तक क्या हुआ। और तीसरा, कि राजनीतिक तरीके से कोई आदिवासी अपने आप को कहाँ पाता है, तो इसलिए तीन आयाम में मैं बोलना चाहूंगी, शायद बहुत ही कम, क्योंकि अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परंतु आंकड़ों के आधार पर इस बात की पुष्टि और भी स्ट्रांग तरीके से की जा सकती है। अभी गांव, हर गांव में स्कूल की बात की जा रही है, परंतु वो स्कूल कैसे हैं जहां बहुत ही इंटीरियर आदिवासी इलाकों में या तो स्कूल है ही नहीं, परंतु किसी कमरे में किसी तरह से स्कूल हो रहा है, या एक ही कमरे में 5 क्लास के बच्चे, एक टीचर जो कि ट्रेंड है अनट्रेंड है पता नहीं, पैरा टीचर की निगरानी में पढ़ाई हो रही है। तब 5 क्लास तक एक बच्चा कुछ पढ़ लिख कर ना आए, 6 क्लास के बाद क्या कर पाएगा। तो इस तरह से हमारी जो शिक्षा की नीति है बिल्कुल खोखली है। और जहाँ सुख सुविधाएं हैं, जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां तो कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर आदिवासी पॉपुलेशन के लिए जब वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो फिर उनके उनके जीवन में शिक्षा की क्वालिटी को, अगर क्वालिटी क्वालिटी बोला जाता है शिक्षा के संबंध में, तो उस क्वालिटी का हम अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा जो बिंदु मैंने कहा था, पॉलिटिकली या राजनीतिक तौर पर एक आदिवासी अपने आप को कहाँ पाता है, मेरे ख्याल से केवल राज्य, एक अलग राज्य की स्थापना कर देना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की निशानी नहीं है, बल्कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट में 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को जब झारखंड स्टेट की स्थापना हुई, उस समय झारखंड के जितने भी राजनीतिक नेता थे, उन लोगों ने शायद सोचा होगा कि हम इस लायक हैं कि इस राज्य को हम चला सकते हैं, शासन कर सकते हैं, और अपने लोगों के लिए और आदिवासियों को, आदिवासी लोगों के द्वारा शासित की जाने वाली एक मॉडल राज्य की स्थापना हो रही है। पर नहीं, हमारे जितने भी हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या राजनीतिक ताकत का शायद उस समय गलत एस्टिमेशन किया गया, या सही एस्टिमेशन था परंतु उनको खोखले ही करने वाली नीतियां और भी ज्यादा प्रबल थीं। और इसलिए राजनीतिक तौर पर आज की तारीख में जितने भी काम हो रहे हैं, विशेष करके झारखंड प्रदेश में, राज्य में, वो आदिवासियों के अहित के लिए ही हो रही हैं। जैसे लैंड एक्विजिशन की बात को देखिए, और उस पर बहुत ही ज्यादा अभी चर्चाएं हुई हैं, और अब तो ये हो गया है कि वो हमारे प्रदेश के तंत्र को इस्तेमाल करके लैंड ग्रैबिंग हो रहा है। तो इस तरह से अब जो राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन था एम्पावरमेंट का, उसको भी खोखला करके उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है आदिवासियों के विरोध में। माइन के मामले में तो शायद मेरे पास आर्ग्यूमेंट कम है, क्योंकि माइनिंग बहुत जरूरी है देश के हित के लिए। वहाँ लोकल हित का तो उसमें कोई ये नहीं आता, जबकि वहाँ प्रोसेसेस हैं कि ग्राम पंचायत को अग्री करना चाहिए, ग्राम सभा के लेवल में, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा के लेवल में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ग्राम सभा परमिशन देती है उस काम के लिए, जमीन को अक्वायर करने के लिए, और उसमें अपने सारे शर्तें रख सकती है। परंतु ग्राम सभा को या तो बाईपास किया जाता है जहाँ स्ट्रांग ग्राम सभा है, या तो उसको खरीद लिया जाता है। खान के मामले में तो है, खनिज जहाँ पर है वहीं पर खोदना पड़ेगा, उसका मतलब जितने भी तरीके हैं माइनिंग के उसी तरीके से निकलेंगे। इसलिए मेरे पास उसके लिए उतना दलील नहीं है। परंतु दूसरा, जो इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को कहाँ पर बिठाया जाए,
उसके लिए ना तो केंद्र सरकार के पास और ना तो राज्य सरकार के पास कोई अच्छी नीति है कि इंडस्ट्री कैसी जगह पर बैठाई जाए। यह धान के खेत की जगह पे बैठानी जरूरी है इंडस्ट्री को, जहां से किसान जो और या आदिवासी, कोई भी किसान या फिर आदिवासी किसान हमारे मामले में, जहां उनकी खेती हो, जहां से उनकी जीविका है, जहां से वो, जहां वो अपना सब कुछ करता है, वहां अपना समय देता है, अपना काम वहां करता है और अपनी कमाई वहां से निकालती, उसी धान के खेत में इंडस्ट्री लगाना जरूरी है क्या? ऐसी परती जमीन नहीं है पूरे झारखंड में जहां की इंडस्ट्री लगाया जाए? क्योंकि अगर प्रति जगह पर जाएंगे तो वहां रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ये सब कमिटमेंट तो इंडस्ट्री देने वाले देने रही है। और इसलिए सरकार के, हमारे झारखंड के प्रदेश की सरकार, मैं बोलूँ, के पास एक ऐसी नीति होनी चाहिए कि कैसी जगह पर इंडस्ट्री लगाया जाए। क्योंकि बेसिकली मैं भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट, डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ रही है, इसका इसका अगर उत्तर दे दिया जाए तब डेवलपमेंट या विकास के लिए रास्ता बनाया जाए। तीसरा कि इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस के भी मामले में यही है, जहां पर अच्छी खेती होती है, जिन जगहों में जो परती जगह है वहां पर क्यों नहीं किया जाता, शहर के बीच में क्यों नहीं किया जा सकता, शहर के बाहर में ही, क्योंकि शहर के बीच में जगह नहीं है, शहर के बाहर किया जाता है जहाँ की धान के खेत है। आप रांची शहर से निकल के देखिए, आपको 2 किलोमीटर के बाद ऐसे धान के खेत अभी पके हुए फसल दिखाई देगी जिसपे लोगों को पैर से चलने की इच्छा ना हो, ऐसी जगह पर इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। ये किस तरह का मानवीय तरीका है कि विकास के नाम पर लोगों को उनके ना बेरोजगार से बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी की परिभाषा जमीन से है। और इसलिए मुझे लगता है ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि आदिवासी को गैर आदिवासी बना सकना अगर है इस देश में तो उसको जमीन से बेदखल। मैं पूछना चाहूंगी कि अगर इस देश में किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा, अपने धर्म और अपनी अपनी जो पहचान है, जातीय पहचान है, उसको दंभ से, बहुत घमंड से असर्ट कर सकते हैं, तो यही हक आदिवासी को क्यों नहीं दिया जाता है? 3 चीजें मैंने कहा, एक मातृभाषा की, दूसरी मैंने कहा कि धर्म की, और तीसरी अपनी जातीय आइडेंटिटी, जातीय। ये देखिए, भाषा के नाम पे आदिवासी की भाषा लुप्त हो रही है, वो उसके लिए शायद आदिवासी ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कुछ कुछ आदिवासी समूह 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 अपनी भाषा को छोड़ने में माहिर हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी भाषाओं को सीखने का, दूसरी भाषाओं को यहाँ सीखने का चैलेंज है, और इसलिए अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषाएं सीखना चाह रहे हैं। क्यों? और ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि अगर उनको विद्या या एजुकेशन अक्वायर करना है तो दूसरी भाषाएं चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में एजुकेशन नहीं है। जबकि ये राइट टू एजुकेशन में भी है कि 5वीं कक्षा तक प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हो। जब तमिलनाडु में हर बच्चा तमिल में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है, बंगाल में बंगला में, असम में असमीज में, तो उसी तरह से आदिवासी बच्चा क्यों नहीं गुजरात में गुजराती में कर सकते हैं? पर गुजरात के आदिवासी बच्चे अपनी मातृभाषा में नहीं, गुजराती में करना चाहिए उनको। ये जो एक डबल स्टैंडर्ड की बात है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये सब कॉन्स्पिरेसी एक है। दूसरी, धर्म की बात, जब हमने कहा कि सभी हम लोग, आप केवल आप इतिहासकारों से पूछिए और एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पूछिए कि हर संसार के हर आदिवासी समुदाय या इंडिजिनियस पॉपुलेशन की अपनी आदि धर्म की तरह का धर्म है, और ये धर्म कतई हिंदू धर्म से उसका कोई भी मेल नहीं है। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कहीं कहीं कोएर्शन जो बोलते हैं उसके तहत, और दूसरे मतलब मेजर कल्चर के इंटरैक्शन के कारण कहीं कहीं आदिवासी समुदायों ने खुद से अपने आप को हिंदू करार किया। ये साउथ की बात है,
तमिलनाडु वगैरह की बात, वहाँ के आदिवासियों की गति ये हो गई है, क्योंकि वहाँ उनका गैर आदिवासियों के साथ इतना ज्यादा हिल मिल जोल हो गया कि शायद वहाँ वो लोग भूल गए हैं। परंतु जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत की के आदिवासी समुदाय हैं, उनके तो अभी 40, 50, 60 साल पहले तक बहुत हर परिवार के लोग अपने आदि धर्म के ही अनुयायी थे। और जो भी कि झारखंड में केवल 150, 160 वर्ष हुआ है क्रिश्चियनिटी का, और सारे आदिवासी मध्य भारत के साथ सारे आदिवासी समुदाय क्रिश्चियन नहीं है, मेजॉरिटी अभी भी गैर क्रिश्चियन हैं। फिर भी जो और बहुत से लोग अभी प्रैक्टिसिंग सरना हैं, फिर भी उनको ये बोला जाता है कि आप हिंदू हैं, या जो क्रिश्चियन हुए थे और उनकी घर वापसी की जा रही है तो उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये तो फिर से कन्वर्शन वाली बात हुई, ये घर वापसी तो अगर होते तो अपने ही आदि धर्म में या फिर अपने ही सरना धर्म में उनको आना चाहिए था। और तीसरी, जब हम कोई भी भारतीय बड़े दंभ के साथ बोलते हैं कि मैं फलाना जात का हूँ, अपनी जाति या अपने कुल का ये करते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, तो आदिवासी लोगों को भी उतना ही घमंड के साथ ये अधिकार होना चाहिए कि मैं बोल सकूं कि मैं सोनाझरिया मिंज एक उराव हूँ। परंतु नहीं, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना तो आदिवासियों का के बारे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पुस्तकों में है, एजुकेशन करिकुलम में है, बच्चे पढ़ते नहीं। एक बिरसा मुंडा के बारे थोड़ा सा आधे पेज का की चर्चा ही होगी तो कैसे बिरसा मुंडा के प्रति घमंड हो बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, या दूसरों के प्रति। इस तरह से हमारे आप बिरसा मुंडा के ही कॉन्टेम्प्रेरी रहे थे, एक खासी फ्रीडम फाइटर, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। परंतु आप किसी खासी से पूछ कर जाकर पूछ कर देखे, वो बतला सकते हैं। पर तो इस तरह से हिस्ट्री में या हिस्टोरिकली आदिवासियों के अस्तित्व को किनारे रख के, मार्जिन के भी बाहर रख के, उनको उनके अस्तित्व के लिए शर्म महसूस करने की जो नीति रही है, उसी को मैं कॉन्स्पिरेसी बोल रही हूँ। एक तो ये है कि आदिवासी सॉल्यूशन का एक रास्ता ये हो सकता है कि जैसा हमने पहले भी कहा कि पाठ्यक्रमों में आदिवासियों के बारे और आदिवासियों के नायकों और आदिवासी धर्म कल्चर सबके बारे छोटी छोटी बातें स्कूल में भी पाठ्यक्रमों में इंक्लूड हो, ताकि जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, और आदिवासी कल्चर किस तरह से उस डाइवर्सिटी को और भी एनरिच करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मिले, तभी तो सम्मान भी या फिर डिग्निटी भी उससे एसोसिएट की जाएगी। परंतु जब कोई चीज एब्सेंट रहेगा तो उसके लिए तो शर्म का ही कोई महसूस करेगा, बच्चा भी। ये मेरा मानना है कि हाँ, सोल्यूशन ये भी है कि जितने भी आदिवासी छात्र छात्रा पढ़ लिख ले रहे हैं, वो जब नौकरी में आते हैं और विशेष करके एकेडमिया में आने की कोशिश करते हैं, वहां फिर से उनका एक बार डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि अभी तरह तरह से इसी सिलेक्शन के तंत्र को इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनको किस तरह से इस एकेडमिया में आने से बाधित किया जाए, नन फाउंड सूटेबल करके फिर वैकेंसी को बरकरार रखा जा रहा है। पता नहीं जो लोग आकर सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी काबिलियत पर भी सवाल उठाया जा सकता है। पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी से जूझ रहा है ये कहना ये नहीं मानना चाहूंगी, पर हाँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की कमी से जूझ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत बहुत सी कमेटियां बनाई गई हैं, बहुत सी ये प्रशासनिक पड़ाव हैं, जैसे कमीशन्स हैं, उन सब कमीशन्स में जिस तरह से फ्री होकर लोगों को, आदिवासियों के जो कंप्लेन्स वहां जाते हैं, अगर उनको वाकई में उसको बहुत ही मतलब उसको सीरियसली अगर लेकर लोग
अपनी ड्यूटी को निभाने की कोशिश करें तो वो एक बहुत सपोर्ट मिल सकता है आदिवासी समाज को अपने आप को हतोत्साहित होने से बचने के लिए। जब हतोत्साहित कम होंगे तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को महसूस कर पाएंगे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को महसूस कर पाएंगे, पॉलिटिकल विल को जाहिर करना चाहेंगे, और जब पॉलिटिकल विल को जाहिर करना चाहेंगे, लीडर्स जो खड़े हैं उनकी लीडरशिप को और भी ज्यादा बल मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।